तो गाइस सर नैना को दे दीजिए घर से, अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे। शिनचैन ने आज बहुत ही ज्यादा खेल लिया, अब अपने घर पे जाने वाले। एनीवे की भी वहाँ पर क्या चल रहा है? क्या वहाँ पर क्या चल रहा है? इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अबे यहाँ पे तो एक बंदर नाच रहा है, मुझे लगता है किसी बंदर का शो चल रहा है। आज शिनचैन देखते हैं। चलो गाइस सर देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम सबका स्वागत है एक दिन में करोड़पति बनने वाले चैलेंज में। क्या एक दिन में करोड़पति? हाँ एक दिन में करोड़पति। ये चैलेंज बहुत इजी है, बस तुम्हें मेरे बंदर को हराना पड़ेगा। अगर तुमने मेरे बंदर को हरा दिया तो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कसीनो तुम्हारा हो जाएगा। अरे गाइस ये कैसीनो तो सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे ये वाला कैसीनो जीतना है। पर एक सेकंड, ये क्यों रो रहे हैं? अरे भैया इनके साथ मत खेलना, मैं अपना पूरा का पूरा घर हार चुका हूँ। क्या तुम अपना पूरा घर हार गए? बच्चे तुम इसकी बात मत सुनो, ये एक लूजर है। अगर तुम्हें विनर बनना है, लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कैसीनो जीतना है, तो तुम्हें इस मेरे बंदर को हराना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ। उससे पहले तुम्हें अपने घर की चाबी यहाँ पर रखनी पड़ेगी। क्यों घर की चाबी क्यों रखनी है? बच्चे ये चैलेंज बंदर और तुम्हारे बीच होने वाला है। अगर तुम जीते तो मेरा कैसीनो तुम्हारा, पर अगर मेरा बंदर जीता तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। क्या मेरा घर तुम्हारा हो जाएगा? एनीवे कीबे ऐसे बिल्कुल भी मत करना। अबे शिनचैन तू पागल है क्या? इनका कैसीनो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर हम वो जीत जाएंगे तो मजे आ जाएंगे। और ये बंदर तो मेरा क्या ही कर लेगा, मैं किसी भी चैलेंज में इस बंदर को हरा सकता हूँ। तो क्या तुम तैयार हो? तो अपनी चाबी इधर रख दो। हाँ ठीक है मैं अपनी चाबी इधर रख देता हूँ। तो गाइस सर अभी मैंने अपने घर की चाबी यहाँ पे रख दी है और ये इनकी कैसीनो की चाबी। अगर मैं ये चैलेंज जीता तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा कैसीनो मिलने वाला है। चलो अंकल बताओ क्या चैलेंज है। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। बच्चे तैयार हो जाओ, तुम्हें ये खतरनाक सा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरा कैसीनो चाहिए। इन सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करते करते तुम्हें जाना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर। अगर तुम पहुँचे तो मेरा कैसीनो तुम्हारा। इस गाड़ी के अंदर मेरे कैसीनो की चाबी है, पर अगर तुम कहीं पर भी गिरे तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ये तो बहुत इजी है। अरे कैसर ये चैलेंज बहुत इजी है, क्योंकि कैसर ये तो बंदर है, मुझे नहीं लगता इसको बाइक भी चलाना आती होगी। और चलाना भी आती होगी तो मेरे से अच्छी बाइक तू ना चलाएगा, मैं एक बाइक चलाने में चैंपियन हूँ। चलो कैसर फटाफट से इस चैलेंज को कम्प्लीट करते हैं। चलो फटाफट से फुल स्पीड में चलते हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं आराम से उसका कैसीनो जीत जाऊंगा। भाई कितना ज्यादा खतरनाक मजा आएगा जब मैं खुद के कैसीनो में बहुत सारा पैसा कमाऊंगा। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मैं आराम से बहुत सारे पैसे कमाने वाला। ये क्या हो गया, मैं नीचे कैसे गिर गया? मुझे बचाओ। बच्चे अभी तुम कच्चे हो, मैं दिखाता हूँ कैसे चलाते हैं बाइक। तो काइजर मैं तो बहुत ही ज्यादा जल्दी नीचे गिर गया, मुझे लगता है ये बंदर तो पहले जंप पे ही नीचे गिरने वाला है, क्योंकि यार बंदर को कौन सी बाइक चला आती है, देखते हैं ये गिरता है या फिर नहीं। मुझे समझ गया यार मैं कैसे गिर गया, मैंने उधर देखा ही नहीं कि बीच में खतरनाक सा खड्डा था। पर काइजर अरे ये क्या, ये बंदर तो पहुंच गया। अरे नहीं 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 ये नहीं हो सकता, अगर इस बंदर ने चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो मेरा घर मेरे हाथों से चला जाएगा। और कैसे ये मेरे से तो ऑलरेडी आगे जा चुका है, पर मेरे से आगे जाने का रैम चैलेंज नहीं है, पूरा चैलेंज कंप्लीट करने का है। तो मुझे नहीं लगता ये बंदर कर पाएगा, आपको क्या लगता है बड़ा ऊपर से कमेंट करके बताओ। जल्दी से कमेंट कर दो ये बंदर रैम चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए, अगर इसने कंप्लीट कर दिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मैं कहां पर रहूंगा, मेरा घर चला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और ये क्या है, तो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाला है क्या, ये वहां पे पहुंचेगा? और ये क्या, इसने तो कंप्लीट कर दिया। बोलो बच्चे तुम ये चैलेंज हार चुके हो और तुम्हारा घर मेरा हो चुका है, चलो मेरे घर चलते हैं। अरे अंकल ऐसा मत करो, मैं तो मजाक में बोला था, मुझे नहीं पता था ये बंदर इतनी अच्छी बाइक चलाता है। नहीं नहीं बच्चे अब तो तुमको मुझे अपना घर देना ही पड़ेगा। अरे अंकल मैं आपको घर दे दूंगा तो मैं कहां रहूंगा? मुझे क्या पता, वो तो शर्त लगाने से पहले सोच रहा था। चलो मेरे को घर ले चलो। अच्छा ठीक है अंकल चलो। गाइजर ये क्या हो गया यार, मुझे नहीं पता था ये बंदर इतनी ज्यादा अच्छी बाइक चलाता होगा, इसने ये पूरा का पूरा चैलेंज कंप्लीट कर दिया और मेरा घर बिक चुका है। इस अंकल को मैंने अपना घर बेच दिया, वो भी फ्री में, मैं इनसे पैसे भी नहीं मांग सकता क्योंकि मैंने इनसे शर्त लगाई थी। जल्दी चलो बच्चे मुझे अपने घर पहुंचना है। हाँ अंकल चल रहा हूँ चल रहा हूँ। तो गाइजर अभी अपने घर पर बस पहुंचने वाले और अब यहाँ पर आ चुके हैं। ओ ये तुम्हारा घर, ये तो एक गरीबों का घर लग रहा है। अरे बेकी बे जीत गए क्या कैसीनो? शिनचैन अरे बेकी बे क्या हो गया? आज से ये घर मेरा है, तुम दोनों यहाँ से बाहर निकलो। अरे क्या आप हार गए, आप मेरा घर हार गए? हाँ शिनचैन मैं हार गया। अरे बेकी बे आपने ये क्या कर दिया,
अरे शिनचैन मैं क्या करूं, मैंने सोचा था उस बंदर को बाइक चलानी नहीं आती होगी, पर वो तो बाइक चलाने में एक्सपर्ट निकला और उसने हमें लूट लिया शिनचैन। अरे वाह, ये कुत्ता तो बहुत ही अच्छा है, इस घर के साथ मुझे ये कुत्ता भी चाहिए। चलो बाय बाय, इस घर से बाहर निकलो। अरे अंकल प्लीज प्लीज मुझे अपने साथ रख लो अंकल, कुछ तो कर लो अंकल, ये मेरा घर है, मैं कहां जाऊंगा? जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहां से निकलो। अरे अंकल प्लीज 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 प्लीज, अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो तुम्हें ये घर मुझसे खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा? बताओ कितने में दोगे? मैं ये घर पैसों में नहीं बेचने वाला। तो फिर क्या? मैं ये घर बेचने वाला हूँ 5 गोल्डन जेट, 5 लिमोजीन, 5 गोल्डन हेलीकॉप्टर, 5 दुनिया की सबसे अच्छी बोट, मुझे ये सब चाहिए अगर तुम्हें ये घर खरीदना है तो। क्या 5 गोल्डन हेलीकॉप्टर, 5 गोल्डन जेट, 5 लिमोजीन और 5 दुनिया की सबसे खतरनाक बोट? अरे मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे वो सब नहीं पता, घर चाहिए तो ये सब लाके दो, वरना ये घर तुम्हें नहीं मिलेगा। निकलो यहाँ से। क्या करेंगे? या तो शिनचैन हमें सारी की सारी चीजें इनको देनी पड़ेगी, वरना अब हमें रोड पे रहना पड़ेगा। अरे फेकी भैया, मुझे रोड पे नहीं रहना फेकी भैया। अरे रहना तो मुझे भी नहीं है, पर यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे कैसा, ये तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो चुकी है, हमें अपने घर को वापस कैसे भी करके खरीदना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें चाहिए 5 गोल्डन जेट, 5 गोल्डन हेलीकॉप्टर, 5 गोल्डन लिमोजिन और 5 दुनिया की सबसे खतरनाक बोट, और ये सब मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर्स की आने वाली है, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। शिनचैन तेरे पास पैसे है क्या? अरे वेकी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे? अरे काइजर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पर शिनचैन तू टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ करके रहेंगे, हम अपने घर को वापस हासिल करके रहेंगे। तो काइजर अगर आप मेरे साथ हो तो फटाफट से कमेंट कर दो, हम आपके साथ है, फ्रैंकलिन हम तुम्हारे साथ है, फटाफट से कमेंट कर देना, और हम सोचते हैं कहां से लाएंगे इतनी सारी चीजें। तो काइजर मुझे पता चला है लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही गोल्डन जेट है, एक ही इंसान है जो गोल्डन जेट खरीद सकता है, मतलब कितना ज्यादा महंगा आता होगा गोल्डन जेट, और वो गोल्डन जेट है इस एयरपोर्ट में। और कैसर मैं आ चुका इस एयरपोर्ट में, हम एंट्री करने वाले और चुराने वाले उस खतरनाक से गोल्डन जेट को जो कि लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है। अब सोचो जो चीज लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है, हम उस बंदे को वो 5-5 कहां से लाके देंगे? मैंने सोचा था कि 5 ही 5 चुरा लूंगा, पर कैसर वो तो लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही है, और उसके बाहर भी कितनी सारी सिक्योरिटी है। वो जेट तो मुझे दिख गया, पर इतनी सारी सिक्योरिटी भी दिख चुकी है साथ में। पर काइजर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, हमें उसे चुराना ही पड़ेगा। बाकी के 4 गोल्डन जेट कहाँ से लेंगे वो बाद में सोचेंगे, अभी इन सब को मारते हैं। शिनचैन तैयार है ना? अरे वेकी बे, घर को आ पा रही हूँ मैं, नहीं आप अकेले करो। अबे शिनचैन ऐसा क्यों बोल रहा है, मेरा साथ तो दे दे। अरे वेकी बे अपना काम करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। अरे काइजर ये शिनचैन तो बिल्कुल ही पागल है। चलो कोई बात नहीं, इनको फटाफट से मारना शुरू करते। 1 सेकंड, मेरे पास मिनी गन तो भी है, ये बहुत ही काम आने वाली है। 3, 2, 1 गो। ये लो, सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये तो बहुत ही इजी था, मिनी गन यार सही में बहुत ही ज्यादा काम की गन है, एक ही बारी में सारे के सारे एम्प्लॉयज को यहाँ पे हमने भून दिया है, और हमें एक खतरनाक सा गोल्डन जेट भी मिल चुका है। तो काइजर हमें अपना यार पहला गोल्डन जेट तो मिल गया, पर काइजर हमें 4 गोल्डन जेट और चाहिए, और वो लॉस सैंटोस में तो है ही नहीं, तो हम यहाँ से तो ले ही नहीं सकते, मतलब उन गोल्डन जेट्स को हमको खरीदना पड़ेगा। और काइजर अभी आपको दिखाता हूँ कि गोल्डन जेट कितने ज्यादा महंगे आते हैं, ये आप देख सकते हो, $10 मिलियन का एक गोल्डन जेट है। तो गाइस अगर मुझे 4 गोल्डन जेट खरीदने हैं तो मुझे $40 मिलियन चाहिए होंगे। और हाँ, हमें इधर गोल्डन हेलीकॉप्टर मिलता है जो कि है $5.1 मिलियन का। तो अगर हमें 5 गोल्डन हेलीकॉप्टर खरीदने वो है $25 मिलियन के, 5 गोल्डन जेट जो की है $40 मिलियन के, 40 और 25 कितने होते हैं 50, 60, 65 मिलियन, और लिमोजिन पता नहीं कितने की आती है, वो भी 5 चाहिए, तो कम से कम हमें $150 मिलियन चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें यार 5 बोट्स भी तो खरीदनी है। तो काइजर ये प्लेन चुराने से तो काम नहीं होने वाला, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें $150 मिलियन मिल जाए। तो काइजर अगर आप चाहे तो हमारी मदद कर सकते हो कमेंट में थोड़ा सा डोनेशन करके, अगर आप कमेंट करोगे $100,000 तो हमारे बैंक अकाउंट में $100,000 ऐड हो जाएंगे, अगर आप कमेंट करोगे $1 मिलियन तो हमारे अकाउंट में $1 मिलियन ऐड हो जाएंगे। तो फटाफट से जो भी जितना भी हो सके जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, ताकि हमें थोड़ा सा आसान हो जाए सारी की सारी चीजें खरीदना। तो काइजर पहला गोल्डन जेट तो हमें मिल चुका है, अब ना ही हम गोल्डन जेट चुरा सकते हैं ना ही कोई गोल्डन हेलीकॉप्टर, क्योंकि लॉस सैंटोस में ऐसा कुछ है ही नहीं। तो काइजर अब हमें सिर्फ यार पैसे ही चाहिए होंगे, डॉलर्स चाहिए होंगे, ताकि हम खरीद पाए वो सारी की सारी चीजें, और उसके लिए हमें लूटने पड़ेंगे बैंक। तो काइजर अभी छोटे छोटे जो ATM है सबसे पहले वो लूटने वाले, तो फटाफट से इसको हैक करते हैं और लूटते हैं
इसको, और कैसा आप देख सकते हो इसको यहाँ पे हैक करना पड़ेगा। हमारे पास सिर्फ 56 सेकंड्स है, इसको जल्दी जल्दी हैक करते हैं। ये बहुत ही इजी सा हैक लग रहा है। 50 सेकंड हमारे पास बचे हैं, पर कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा इसको इजीली कर देंगे। और गाइज़र हमारा यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है और हमें मिल चुका है $13,966। वो अलग बात है, हमारे पीछे पुलिस पड़ गई है तो थोड़ी सी गाड़ी को भगाना पड़ेगा फुल स्पीड में। एनीवे की भी तो बहुत ही खतरनाक था। हाँ शिनचैन ये बहुत ही खतरनाक है, पर गाइज़र अगर हमें 13,000 हर बार बैंक रॉबरी एटीएम रॉबरी करने पर मिलते हैं, कम से कम 1,000 बार रॉबरी करनी पड़ेगी तब जाके हम 100 मिलियन तक पहुंच पाएंगे। और 1,000 रॉबरी करने में कम से कम 1,000 साल तो लग ही जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले जब तक हमारे पीछे है हम अगली रॉबरी नहीं कर सकते। तो गाइज़र ये वाला तरीका तो हमारा फेल होने वाला है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्लो तरीका है। पर कोई बात नहीं, बड़ी रॉबरी करने के लिए हम छोटी छोटी रॉबरियां करके पैसे जरूर जमा कर सकते हैं। इसलिए अभी हम इस वाले एटीएम को भी लूटने वाले, देखते इसको कैसे लूटने वाले हम। फटाफट से इसको माय कंप्यूटर में हम जाने वाले और हम जाएंगे लोकल सी में। नहीं, हमारा एक्सेस नहीं है, इसमें एक्सेस, इसमें भी एक्सेस नहीं है। लगता है हमें वापस से इसको हैक ही करना पड़ेगा। चलो इसको फटाफट से हैक करते, देखते इस बार हमें कितने पैसे मिलने वाले। और वापस से हमारे पास 59 सेकंड्स थे और अभी सिर्फ 50 सेकंड बाकी है। चलो 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 फटाफट से चलते इसको पूरा का पूरा हैक करते। और इसका पासवर्ड है सब अर्बन, लगता है यही पासवर्ड है। और हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। चलो फटाफट से सारे के सारे पैसे बाहर निकालते, 22,000। इस बार थोड़े ज्यादा ही पैसे मिल चुके हैं, $22,000। पर गाइज़र ये फिर भी कम है। अगर 20,000 भी हम मान के चले तो कम से कम यार 500-600 बार तो हमें रॉबरी करनी पड़ेगी, और वो भी नहीं कर सकते। तो गाइज़र अभी मेरे पास $30,000 आ चुके हैं। उसमें ना बोट आने वाली, ना ही गोल्डन जेट, ना ही गोल्डन हेलीकॉप्टर, ना ही गोल्ड लिमोजिन, पर उसमें आने वाले खतरनाक वेपन्स और कोई खतरनाक सी रॉबरी करने के सारे इक्विपमेंट। तो चलो फटाफट से चलते हैं, कोई बढ़िया सी रॉबरी करते हैं जिसमें हमें मिल सके $150 मिलियन। तो गाइज़र हम बिल्कुल तैयार है अपनी खतरनाक सी रॉबरी करने के लिए। उसके लिए मुझे अपना मास्क पहनना पड़ेगा। तो गाइज़र अभी हम बिल्कुल तैयार हो चुके, तो फटाफट से घुसते अपनी रॉबरी करने के लिए। गन अपनी बिल्कुल तैयार है। रुक जाओ, अभी इनको नहीं मारेंगे, अगर ये हमें रोकेंगे तो इनको मारेंगे। तो अभी हमें यहाँ पर आना है, यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाली रॉबरी हम करने वाले। गन अपने अंदर रहनी चाहिए, कोई हमें पहचानता नहीं है। मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ जो कि बस यहाँ पर घूमने आया है। और गाइज़र आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा गोल्ड पड़ा है। ये गोल्ड कम से कम 10-15 मिलियन डॉलर का होगा, पर कोई बात नहीं। चलो यहाँ से चलते फटाफट से। अंकल साइड जाओ, क्या काम है, यहाँ पर क्यों जा रहे हो? मेरा नाम है वरुण और मैं लगाता हूँ झाड़ू पोछे। अंकल थोड़ा सा साइड होना। तो गाइज़र मैंने इनको भी पागल बना दिया, चलो फटाफट से चलते। अबे ये एक और क्या कर रहा है? तुम कौन हो? अबे तेरी तो चुपचाप बैठ। चलो गाइज़र फटाफट से यहाँ से निकलते। अरे लिफ्ट को जा। तो गाइज़र अभी हम लिफ्ट में आ चुके, चलो फटाफट से चलते। अभी हमने उसको मार दिया और पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को पता चल चुका है कि इधर बिल्डिंग में घुस है। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और बच गया। और गाइज़र मुझे लगा था ये मुझे मार देगा, ये कौन है? अबे टकले क्यों डरा रहा है? तो गाइज़र अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर एक और मैंने यहाँ का गेट ही तोड़ डाला। अरे यहाँ पे तो और भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है। अबे इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पे क्या कर रही है? इतनी सारी सिक्योरिटी यहाँ पर है, मतलब इधर बहुत सारा पैसा होने वाला है। ये देख सकते हो आपको कितनी कैश की गड्डिया पड़ी है, पर हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए असली कैश जो कि खुला हुआ हो। हम इन सबको उठा नहीं सकते। यहाँ पे एक और सिक्योरिटी गार्ड है जिसको हमने मार दिया, और ये रहा सारा का सारा पैसा। तो गाइज़र अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कितना सारा गोल्ड मिल चुका है। इन सारे अलग अलग केज में सारा का सारा पैसा और सारा का सारा गोल्ड पड़ा है। तो यहाँ पे गोल्ड मिल गया, और यहाँ पर भी और भी बहुत सारा गोल्ड है, और इन डब्बों में कैश ही कैश भरा हुआ है। सारे के सारे डब्बे कैश से भरे हुए। तो हम इन सबको यहाँ से उठाने वाले हैं, फिर देखते हैं हमारे पास कितने मिलियन डॉलर्स होने वाले। चलो बड़ा वर्ड को लेके यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज़र अभी मैंने सारा का सारा पैसा और गोल्ड अपनी यार इस खतरनाक सी ट्रक में भर लिया है, और यहाँ पे सही में बहुत ही ज्यादा पुलिस आ चुकी है। मेरे पीछे पड़ चुकी है 5-स्टार पुलिस, और साथ में इस बिल्डिंग के सारे सिक्योरिटी गार्ड मेरे पीछे पड़ गए। तो गाइज़र हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और इतनी ज्यादा बड़ी ट्रक को पुलिस से एस्केप कैसे करूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मेरे पास बाइक होती तो मैं आराम से निकल जाता, पर गाइज़र इस ट्रक में बहुत सारा पैसा और बहुत सारा गोल्ड है, तो हमें ये ट्रक जरूरी चाहिए ही चाहिए। तो गाइज़र फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर कुछ ना कुछ करके निकलना पड़ेगा। पीछे भी मेरे पास पुलिस आ रही है। रॉबरी तो मैंने कर ली, और इसमें इतना सारा गोल्ड है, इतना सारा कैश है, कम से कम 100 मिलियन डॉलर्स तो इसमें आराम से होंगे। पर क्या इसमें 150 मिलियन डॉलर होंगे? वो बड़ा सवाल है, और उससे ही बड़ा सवाल ये है कि क्या हम पुलिस वालों से एस्केप करवा पाएंगे। चलो गाइज़र फटाफट से अपने ट्रक को भगाते हैं। मैं नहीं चाहता ये पुलिस वाले मुझे 100 मिलियन डॉलर के साथ पकड़ ले और मुझे 100 साल के लिए जेल में डाल दे। मुझे जेल में नहीं जाना, मुझे कैसे भी करके इनसे एस्केप करवाने पड़ेगा। तो मेरे पास आइडिया, यहाँ से अपने खुद आते हैं ट्रक को और
क्या ही जंप किया मैंने, पर ये जंप कुछ काम कर ही रहा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस खड़ी है। लगता है मुझे नाले में उतारना पड़ेगा अपनी ट्रक को। चलो फटाफट इसको नाले में लेके चल ताकि थोड़े पुलिस वाले तो कम हो सके और मेरे ऊपर हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहे, तो उनसे भी मुझे बचना पड़ेगा। फटाफट से भगाते अपनी खतरनाक सी ट्रक को। इस हेलीकॉप्टर वाले कैसी की तैसी मेरे पीछे भी जा रहा है। तो चलो 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 फटाफट यहाँ से निकलते, सामने से बहुत ही ज्यादा पुलिस आ रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इन सबको मार दूं। मेरे पास एक खतरनाक सी स्टिकी बॉम्ब है जो कि मैं इनकी गाड़ी में चिपका के इनको ब्लास्ट कर सकता हूँ। बस मेरी गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए वो अलग बात है। चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। सामने से बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ रही है। इतनी सारी पुलिस की गाड़ी कहाँ से आ रही है, नाले के अंदर क्यों आ रही है सबके लोग? रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी ट्रक को यहाँ पर खड़ा करने वाला हूँ और मैं थोड़ा दूर जाने वाला हूँ, पुलिस वालों को ध्यान भटकाऊंगा ताकि मेरे पीछे पीछे वो आए और वो ट्रक को ना देखे। चलो गाइस, पहले तो हेलीकॉप्टर को वाले मारते, कब से मेरे पीछे आ रहा है ये, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसका हेलीकॉप्टर जब तक क्रैश नहीं होगा इतनी गोलियां मारूंगा, क्रैश हो जा। और यहाँ पर तो और भी हेलीकॉप्टर आ रहे, इसको फटाफट से ब्लास्ट करते। तो ऐसे मुझे पुलिस वालों को थोड़ा सा ध्यान भटकाना पड़ेगा ताकि वो ट्रक पर ना ध्यान दे और मेरे पे ध्यान दे। फिर मैं एकदम से यहाँ से चला जाऊंगा और फिर बाद में हम उस ट्रक को ले लेंगे। हमें इस बीच से दूर जाना पड़ेगा ताकि पुलिस वाले हमारे पीछे पीछे आए। तो फटाफट से चलते इस बीच से थोड़ा बाहर निकलते, बस जल्दी जल्दी पुलिस एस्केप हो जाए, फिर हम देखेंगे हमारे पास कितना कैश और कितना गोल्ड आया है। फिर उसके बाद आखिरकार हम अपना घर वापस से खरीद पाएंगे, क्योंकि गाइस हम ये सब कर रहे हैं सिर्फ अपने घर के लिए। इतनी बड़ी बड़ी मुझे चोरियां करनी पड़ी क्योंकि मुझे अपने घर को बचाना है। तो गाइस अगर आप चाहते हो हमारा घर बच जाए जल्दी से जल्दी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी पूरी कोशिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। और अपन फटाफट से पुलिस से एस्केप कराते हैं। लगता है पुलिस को पता तो नहीं है मैं इधर छुपा हुआ हूँ, इन कचरों के डब्बों में बीच में बैठ जाता हूँ, इन पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चलेगा। तो गाइस कचरों के डब्बों के बीच में वाला प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करके पुलिस सारी की सारी यहाँ से जा चुकी है। और मैंने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए, मतलब कपड़े चेंज किए, नंगा होकर बैठ गया था ताकि मुझे कोई पहचान ना पाए। तो फटाफट से वापस से बीच की तरफ चलते हैं ताकि हम अपना ट्रक वापस से ले पाए। बस ये ट्रक वहीं पर हो, पता चले कोई पुलिस वाला उठा के ले गया। और गाइस हमारा ट्रक इधर ही है। तो गाइस हमें अपना ट्रक भी मिल चुका है, चलो फटाफट से चलते हैं। और ये ट्रक हमें मिल चुका है। तो गाइस मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 100 मिलियन डॉलर्स प्लस है। अब देखते हैं इन सारे पैसों से हम क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं। फटाफट अपनी वेबसाइट थोड़ी सी खोल ली जाए और यहाँ पे अपना खतरनाक सा प्लेन है। सबसे पहले तो हम खरीदेंगे 5-5 प्लेन। तो गाइस सर ये वाला प्लेन मैंने 5 बार खरीद लिया है और हमारे 50 मिलियन डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। अब बारी इन हेलीकॉप्टर्स की, फटाफट से हेलीकॉप्टर्स को भी खरीद लेते हैं। एक बार खरीद लिया, ये दूसरी बार भी अब खरीद लेते हैं। तो गाइस सर अभी मैंने 5 गोल्डन जेट और 5 खतरनाक से गोल्डन हेलीकॉप्टर्स खरीद लिए और गाइस सर हमारे यहाँ पे खर्च हो चुके 75 मिलियन डॉलर्स। और अब हम खरीदने वाले यहाँ पे बोट, तो सबसे महंगी बोट है यहाँ पे, ये 1.7 मिलियन डॉलर्स की। तो इसको हम आराम से 5 खरीद सकते हैं, तो फटाफट से इनको खरीद लेते हैं। तो गाइस सर यहाँ पर मैंने 5 अपनी खतरनाक सी बोट्स भी खरीद ली है। और गाइस सर अब बात कर लेते हैं हमारी 5 गोल्डन लिमोजीन की। तो आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ बचे 21,000 डॉलर्स, यहाँ पर सिर्फ 21,000 डॉलर बचे हैं। और 21,000 डॉलर्स में लिमोजीन के टायर्स भी नहीं आएंगे, तो हमें एक और बड़ी रॉबरी करनी पड़ेगी, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ एक बैंक रॉबरी करने का, उससे हमें इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे ताकि हम 5 गोल्डन लिमोजीन खरीद सके। मेरे हिसाब से एक लिमोजीन 5 मिलियन डॉलर आती होगी, होते हैं 25, मतलब हमें 25 मिलियन डॉलर्स चाहिए और मेरे पास अभी सिर्फ 21,000 डॉलर्स है। तो इसलिए हम जाने वाले खतरनाक सी बैंक रॉबरी करने। चलो गाइस फटाफट चलते बैंक रॉबरी करेंगे, उसके बाद हम अपने घर को वापस से बचा लेंगे। और गाइस मुझे लग रहा है कि अगर मैं बैंक रॉबरी करूंगा तो मुझे कुछ ज्यादा ही मिलियन डॉलर्स मिलने वाले हैं, क्योंकि एक बैंक में 25 मिलियन डॉलर्स से ज्यादा होते हैं। तो बाकी के जितने पैसे मिलेंगे उन पैसों से हम अपने हाउस को अपग्रेड करवाएंगे, तो उससे बहुत ही मजा आएगा, हमारा पुराना घर नया भी हो जाएगा और वो बहुत खतरनाक भी लगेगा। तो फटाफट जाते हैं बैंक रॉबरी करने। तो गाइस सर हम तैयार हैं अपनी आखिरी रॉबरी करने के लिए। और गाइस सर ये रॉबरी मैं करने वाला हूँ सूट में, क्योंकि गाइस सर ये सूट बहुत ही मस्त लग रहा था और मेरे पास जो 22,000 गाइस सर जो कि मेरे पास 21,000 डॉलर बचे थे उनको मैंने खर्च कर दिया। पहले तो मैंने ये सूट ले लिया और ये फायर ट्रक ले ली, और इस फायर ट्रक में हम रॉबरी करने वाले क्यों वो आपको बाद में बताऊंगा। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें से मस्त सा पानी निकलता है। और गाइस सर हम रॉबरी करने वाले इस खतरनाक से बैंक में जिसका नाम है ब्लेन कंट्री सेविंग बैंक। तो चलो यार फटाफट से इसके अंदर घुसते हैं, चुपचाप सबके सामने नीचे बैठ जाओ, फ्रैंकलिन दादा आ चुका है, चुपचाप नीचे बैठ जाओ। अरे मुझे मत मारना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चुपचाप मुझे अपनी की दे दो तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। वैसे ये वाला लड़का मुझे अच्छा ही लग रहा है, इसलिए हम इसको मार देंगे। चलो गाइस सर इसको अभी हमने मार दिया है, चलो फटाफट से चलते हैं। हमें की कार्ड मिल चुका है जो मैनेजर से हमने ले लिया है, फटाफट से यहां पे अपना की कार्ड लगाते हैं और अपना गेट खुल जाएगा,
3, 2, 1, बूम, और ये खुल गया। तो गाइस जरा आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा पैसा पड़ा है। चलो चलो सारा पैसा लूटते, मैं तो सारा का सारा पैसा यहाँ पे लूटने वाला हूँ। और गाइस लगता है इनके पास सही में बहुत ही ज्यादा पैसा है। आप देख सकते हो हमारे पास ऑलरेडी $5 million हो चुके, $6 million, $7 million, $8 million, और कितना पैसा, $9 million, $10 million। मैं तो सारा का सारा लूटने वाला हूँ, एक रुपया नहीं छोड़ने वाला। मेरे पास $13, $14, $15 million हो चुके, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमने यहाँ का सारा पैसा लूट लिया और हमारे पास $20 million हो चुके। अब बारी यहाँ का पैसा लूटने की, यहाँ पे अभी और भी बहुत सारा पैसा बचा है और हमें चाहिए तो $25 million, और ये 23, 24, और ये 25 million dollars तो हमारे हो गए। अब बारी हमारे हाउस को अपग्रेड करवाने की, जितने ज्यादा पैसे हम उठाएंगे उतना ज्यादा अच्छा हमारा हाउस अपग्रेड होगा। तो सारा का सारा पैसा यहाँ पर हम उठाने वाले, और गाइस हमने सारा का सारा पैसा अपना भर लिया है और हमारे पास $37 million हो चुके हैं, जो कि गाइस मदद करने वाले हमारे घर को वापस खरीदने के लिए और अपने घर को अपग्रेड करने के लिए भी। और गाइस यहाँ पे ऑलरेडी हमें पुलिस आ चुकी है, एक दो पुलिस वालों को मारेंगे फटाफट से अपने फायर ट्रक में बैठ जाते, क्योंकि गाइस मैं जो करने वाला उसको देख के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। इन पुलिस वालों को मैं गोली से नहीं मारूंगा, मैं इनको पानी से मारूंगा, ताकि ये देखो सबके सब नीचे गिर जाएंगे और ये मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे। ये लो, सबके ऊपर पानी मारूंगा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ये तो। चलो गाइस फटाफट इस फायर ट्रक को यहाँ से निकालते, और ये बहुत ही तेज चलती भी है, मैं पानी मार मार के इनको स्लिप भी करवा सकता हूँ। और बस बस मैं आगे देख के चला, वरना मैं ही भिड़ जाऊंगा। अबे हट जा पुलिस वाले, सबको मार दूंगा, इन सबको तो मैं गाड़ी से आराम से गिरा सकता हूँ। ये देखो साइकिल वाला जा रहा है, इसको भी पानी से गिरा सकते हैं अपन। और गाइस अभी आ चुके यहाँ पे ट्रेन की पटरी पे, और गाइस मुझे बस ट्रेन का वेट करना है, जैसे ही ट्रेन आएगी मैं उसमें बैठ के यहाँ से निकल जाऊंगा, फिर ये पुलिस वाले मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे बहुत ही देर से खड़ा हूँ, लगता है ट्रेन का यहाँ पे आने का प्लान नहीं, और मेरी गाड़ी की हालत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए मैं तो यहाँ से निकलने वाला हूँ। एक सेकेंड, अबे ये तो बहुत ही खतरनाक लॉटरी लग गई। अरे गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे देख, खतरनाक सी रेसिंग F1 कार खड़ी है, ये तो बहुत खतरनाक है। चलो फटाफट से निकलते हैं, ट्रेन तो नहीं मिली पर हमें खतरनाक सी F1 रेसिंग कार मिल चुकी है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज चलती है। हम आराम से इसमें पुलिस से एस्केप करवा सकते हैं। आजा पुलिस वाला, पकड़े दिखाओ, ये देखो कितने सारे पुलिस वाले आ रहे, पर सामने मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाएगा। आ जाओ, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट कार है, इस कार से तो मैं आराम से एस्केप करवा सकता हूँ ये पुलिस। चलो गाइस फटाफट से पुलिस से एस्केप करवाते हैं, फिर हम खरीदेंगे 5 गोल्डन लिमोजीन, और वो जो अंकल है हमारे घर में रहने, उनको धक्के मार के बाहर निकलने वाले, क्योंकि उनकी सारी की सारी चीजें हमें मिल चुकी है। बस 5 गोल्डन लिमोजीन खरीदना बाकी है, जो कि हम अभी खरीद ही लेंगे। यहाँ से निकल, पुलिस वाले मेरे पीछे पड़ गए हाथ धोके। चलो फटाफट से एस्केप करवाते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस आखिरकार हम आ चुके हैं, इन अंकल को हमने बुला लिया है और इनकी सारी की सारी चीजें भी आ चुकी है। इसके बाद ये मुझे अपने घर की चाबी देने वाले हैं। रुक जाओ बच्चे, पहले मुझे सारी की सारी चीजें गिननी है। अरे हाँ अंकल, गिन लो, कौन मना कर रहा है। मैंने तुमको बोला 5 गोल्डन लिमोजीन लाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये बिल्कुल सही है। मैंने तुमको बोला था 5 बोर्ड्स लाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने तुमको बोला था 5 गोल्डन हेलीकॉप्टर लाने के लिए, 1, 2, 3, और ये क्या, 4। अरे अंकल 5 भी है। ओ हाँ 5 भी है, ये भी बिल्कुल सही है। मैंने तुमको बोला था 5 गोल्डन जेट लाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये तो बिल्कुल सही है। बच्चे तुमने सारे काम बिल्कुल सही कर दिए, ये लो तुम्हारे घर की चाबी। तो गाइस आखिरकार मुझे मेरे घर की चाबी वापस से मिल चुकी है। पता नहीं क्या क्या करना पड़ा मुझे अपने घर को वापस पाने के लिए, पर अभी हमें वापस से घर मिल चुका है। और गाइस मेरे पास थोड़े पैसे बचे थे, मैंने एक लिमोजिन खुद के लिए भी खरीद ली थी, उसके लिए 5 लिमोजिन और एक खुद के लिए। और गाइस अभी भी मेरे पास $35 million बचे, और गाइस उन सारे पैसों को मैं खर्च करने वाला हूँ अपने घर को अपग्रेड करवाने में। तो मेरे कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लिए, देखते हैं हमारा घर कैसा बनाने वाले, हमारा घर कैसा होने वाला है अगर हम उस पे खर्च करते हैं $35 million। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, चलो चलते हैं। A few moments later. तो गाइस क्या आप तैयार हो हमारे घर को देखने के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ अपने घर को देखने के लिए। देखते हैं हमारे घर का क्या हो चुका है, और ऊपर मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पार्टी भी चल रही है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। तो गाइस ये तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, और मुझे ये दिख चुका है कि यहाँ पर दो दो कुत्ते आ चुके हैं, पहले सिर्फ एक ही चौप था, दो दो चौप हो चुके हैं। और गाइस हमारे गैराज में पेट्रोल स्टेशन आ चुका है। अबे ये कैसे हो गया, यहाँ पे हवा भराने का
चुका है, पेट्रोल भरवाने का आ चुका है, ये तो पूरा एक गैराज बन चुका है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। चलो गाइजर सबसे पहले घर के अंदर का देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। और ये आंटी कर रही है लगता है यहाँ पे सफाई वफाई का कांड आंटी कर रही है। और ये देखो भाई कितनी मस्त गाड़ी हमारे घर के अंदर कर दी है और सारे के सारे सोफा नए चेंज कर दिए। और ये देख सकते हो हमारे किचन में एक डोनट सेक्शन आ चुका है, इधर आराम से हम डोनट्स खा सकते हैं, यहाँ पे पेप्सी पिज्जा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ चुकी है खाने पीने की। अभी चलते हैं नीचे देखते क्या आ चुका है, यहाँ पे इन्होंने एक नई घड़ी लगा दी और यहाँ पे लगता है कुछ खतरनाक सी पार्टी चल रही है। और यहाँ पे तो पार्टी करने का सारा सामान है और यहाँ पे कितना सारा गोल्ड भी पड़ा है। और गाइस आप देख सकते हो इन्होंने मेरे घर के अंदर एक खतरनाक सा लॉकर बना दिया है, इधर मैं ये सारा का सारा गोल्ड और पैसा रख सकता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अपने रूम में क्या चेंज हुआ है, अबे ये कौन है मेरे रूम में, क्यों सो रहे हो, निकलो ऐसे, अरे मेरे को मारने लगे, पागल लगे है, मेरे घर में सो गई मुझे ही मार रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे खतरनाक सा ज्वेलरी सेक्शन, कितनी सारी अंगूठियां, चेन्स, वॉचेस, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। और यहाँ पे बहुत सारा कंप्यूटर पड़ी और ये पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ पर पड़ी है। और गाइजर यहाँ पे देख लो कितना सारा कैश पड़ा है और यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा वेपन्स कलेक्शन, और लगता है मेरे पास नए नए कपड़े भी आ चुके हैं। और ये वेपन कलेक्शन सही में बहुत ही खतरनाक है, पर हम जाने वाले हैं हमारे बाहर एरिया पे, देखते हैं क्या हुआ है। और गाइजर आप देख सकते हो इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा पार्टी एरिया बना था, यहाँ पे टीवी लग चुकी है, स्पीकर लग चुकी है, खाना बनाने का सामान है, फ्रिज है और पता नहीं क्या क्या चीज, यहाँ पे सारी सारी दीदियां हमारी डांस कर रही है। और लगता है यहाँ पे अभी तक थोड़ा सा काम चल रहा है, यहाँ पे कोई सीक्रेट डोर बनने वाला है, यहाँ पे सारा सर्फिंग और करने का सामान पड़ा है, मुझे तो बहुत खतरनाक लगा। हमारे घर में हर जगह पार्टी करने के एरियाज बन चुके हैं, जैसे कि छत पर हमारे सारे के सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं और नीचे ये सारे की सारी दीदियां पार्टी कर रही है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ तो कैसा लगा हमारा घर, मुझे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगा। $35 मिलियन में हम इतना खतरनाक घर को अपना अपग्रेड कर सकते हैं, पर अभी भी हमारे पास बहुत सारा कैश और गोल्ड बाकी है और मैं सोच रहा हूँ उससे अपना कार कलेक्शन बनाने की। अगर आपको वो कार कलेक्शन देख रहे हो तो फटाफट से कमेंट बता दो। आज की वीडियो से भी इतना, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं सर की वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सिस्टम पे वापस जाकर जरा फॉलो कर लेना। और गाइस हम मिलेंगे आप सभी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।